हेलो एवरीवन, आज आपसे शेयर करेंगे आलू परवल की मसालेदार सब्ज़ी। तो ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है खाने में। आप इसको इस तरह से बनाइए एक बार। परवल की सब्ज़ी तो बहुत बार आप लोगों ने बनाई होगी, तो आइए देख लेते हैं इसको हम कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर हमने परवल को छीला है और 4 पीस में काट लिया है और थोड़ा थोड़ा छिलका इसका छील के थोड़ा उसी में छोड़ दिया है और अच्छी तरह से इसको हम धो लेंगे। और पैन में हम तेल गरम करेंगे और उसमें इसको फ्राई कर लेंगे। तो हमने मीडियम और हाई फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। हाफ से कम टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है और बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कम से कम 8 से 9 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गया है। इसको अब हम निकाल लेते हैं और इसी तेल में हम आलू फ्राई करेंगे। ये 4 आलू हैं जो हमने काट लिए थे। इस तरह से इनको भी इतनी देर फ्राई करेंगे कि फ्राई होके इनका भी कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो इसमें भी हमने बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है और 1/4 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। तो देखिए इसको भी फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इनको भी हम पैन से निकाल लेते हैं। अब हम कुछ सूखे मसाले रोस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सूखा धनिया और ज़ीरा है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला है, इसको हमने रोस्ट कर लिया है और इसको ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। इस मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। ये अदरक लहसुन और प्याज और हरा मिर्च है, इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इनको भी पीस लेंगे अलग। इसके बाद हम पैन में तेल गरम करके ज़ीरा डाल देते हैं। 1 बड़े साइज़ की प्याज है, इसको डाल देंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन प्याज और हरे मिर्च का, उसको इसमें ऐड कर देंगे। हमने 2 हरे मिर्च यूज़ किए हैं, तेज़ नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके पास तेज़ हरे मिर्च हैं तो आप एक ही लीजिएगा। इस मसाले को हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक इसका अच्छी तरह से कच्चापन नहीं निकल जाता और सब तरफ से तेल नहीं उतर आता है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून है, और 1 टीस्पून इसमें हमने सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर दिया है। इसको भी भून लेंगे 1-2 मिनट। तो मसाला अच्छी तरह भुन गया है, इसमें हम टमाटर शामिल करते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और इनको हमने पीस लिया था। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। इनको हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया है, तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं 1/2 टीस्पून। आलू और परवल फ्राई करते टाइम भी नमक ऐड किया था, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाला है। तो इसको हमने भून लिया अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल मसाला मिक्स हो गया है आपस में और अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें हम वो भुना हुआ पिसा मसाला डाल देंगे जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था। तो हमने यहाँ पिसारा ऐड कर दिया है और ये भुना हुआ है, तो इसको ज़्यादा देर भुनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम परवल और आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड कर देते हैं। एक बार आप ज़रूर इस तरह से परवल बनाइएगा, आलू परवल, और इसी मेथड से आप आलू गोभी भी बना सकते हैं सेम मेथड से। तो इसमें हमने आलू और परवल दोनों ही ऐड कर दिए हैं और इसको 2 मिनट तक हम मसाले में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं और चाहें तो इसमें आप थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं। तो हमने ग्रेवी वाली बनाई है। यहाँ पे हम 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको हम कवर करके 10 मिनट तक पका लेंगे। परवल और आलू दोनों फ्राई किए हुए हैं तो बहुत जल्दी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो देखिए 10 मिनट में पूरी तरह से गल गए हैं। तो इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। ये इसकी थिक ग्रेवी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इसको हम पराठे से, चपाती से, जिससे आपका दिल चाहे वो आप इसको खा सकते हैं। आप राइस के साथ भी खा सकते हैं और एक बार ज़रूर इसको आप ट्राई करिएगा। ऊपर से हरे धनिया डाल देते हैं, नमक और मिर्च अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए देखने में बहुत शानदार लग रही है। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।